आज हमारे घर आने वाले हैं इंस्पेक्टर। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30। दोपहर को इंस्पेक्टर लेडी आई थी घर पे। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। आज है वेनसडे और सन जो है वो एज यूजुअल 2 दिन का चकमा देके आज चला गया है, तो वापस एटमॉस्फेयर हो गया है क्लाउडी। बाहर का टेम्परेचर है अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस। यस, बहुत ही ठंड है, क्या बताएं आपको। और यहाँ पे है हमारी नायरा। हेलो नायरा। हाय 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 करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस, बस तो हो गई है हमारी सुबह, और सुबह होते ही आज जोर शोर से साफ सफाई चालू हो गई है, क्योंकि आज हमारे घर आने वाले हैं इंस्पेक्टर। यस, इंस्पेक्टर सोच के सुन के आप लोग हो गए होंगे थोड़े शॉक, पर वो वाले इंस्पेक्टर या पुलिस नहीं। यहाँ पे कैसा होता है कि जो रेंट की एजेंसी रहती है, जिनके थ्रू हम घर रेंट पे रखते हैं, वो एवरी 5 मंथ 6 मंथ आपका घर चेक करने आते कि आपने घर बराबर रखा है, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं किया है, लाइक ऐसा सब चेक करने आते, इंस्पेक्ट करने आते, फोटोज लेंगे वो घर के। हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो वो लोग आने वाले हैं 1:30 बजे। तो चलिए फिर वो आए, उनके बाद आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस था, उन लोगों ने क्या क्या किया। तब तक फटाफट काम खत्म करते और घर थोड़ा चकाचक क्लीन कर देते हैं। हेलो प्रियांक। प्रियांक नीचे, क्योंकि कचरा 2-3 दिन से घर पे ये पड़ा है, ये डाल के आना है, बिकॉज आज जैसे कुछ मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं घर पे, तो वो आए तो घर थोड़ा ठीक करना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए हम इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। सच में चलो okay. तो मैं फिर कचरा डाल के आता हूँ। ओके, और मैं फटाफट बनाती हूँ खाना। जब तक हमारी छोटा तूफान सोया है, तो जितना काम हो सके उतना कर लेना चाहिए। दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमारा घर हो गया है एकदम चकाचक। ये देखिए, अभी आने दो खुशबू इंस्पेक्टर को, बराबर के नहीं? खुशबू यहाँ पे लास्ट फिनिशिंग टच दे रही है, लेकिन घर अभी एकदम मस्त साफ साफ हो गया एकदम। तो एक अच्छा हो गया कि ये आने वाले थे इंस्पेक्टर साहब, तो हमारा सब घर का थोड़ा क्लीनिंग भी हो गया, नहीं तो हम लोग जनरली वीकेंड पे ऐसा प्रॉपर डीप क्लीनिंग करते हैं। हमने आज ही कर दिया, एडवांस में कर दिया। नायरा यहाँ उठ गई है, नायरा ने अपना लंच कर लिया है। हाय नायरा। लैपटॉप नायरा देख रही है, लैपटॉप आईपैड। और बस देखो भाई, हमारा खाना वाना सब हो गया है। बाहर का वेदर है 0 डिग्री फिलहाल, ठंड भरपूर है, लेकिन कल से थोड़ा कम है। कल -2 -3 हो गया था ना खुशबू, अभी आज इतना इतनी ठंड नहीं लग रही है आज। हाँ, कुछ हाँ, और नेक्स्ट वीक तो भाई मतलब डबल डिजिट टेम्परेचर जाने वाला है, मतलब अच्छी खासी सब बाहर निकलेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है, फोरकास्ट बहुत अच्छा है। तो भाई आई एम श्योर के लोग यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे। यहाँ पे कैसा थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो जाता है, जैसे अच्छी खासी धूप निकलती है, जैसे टेम्परेचर थोड़ा डबल डिजिट जाता है, तो लोग निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने। क्योंकि भाई 0 डिग्री की ठंड सहन करने के बाद 14-15 तो मतलब सच में समर ही लगता है। सच में मतलब अभी इतनी आदत हो, मतलब अभी हमें इतनी आदत हो गई है कि ये इसे ठंडे टेम्परेचर की, कि अभी मतलब 10 डिग्री के भी ऊपर गया ना तो ऐसा गर्मी जैसा फील होने लगता है ना। 10-12 डिग्री 14-15 में तो पता नहीं क्या होगा अभी। एनीवे चलो बस अभी इंस्पेक्टर साहब की वेट कर रहे हैं, जैसे आएंगे आई डोंट नो हम आपको उनको दिखा पाएंगे कि नहीं, बट फिर आपको बताते हैं उनके जाने के बाद कि उनका रिव्यू कैसा था, उन्होंने कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट रेज की कि नहीं। तो अगर आप घंटे रह रहे हो तो ये चीज के लिए भी रेडी रहो, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कोई कुछ होता नहीं है कि कोई चेक करना है, एक बार घर रेंट पे दे दिया आपको, जो करना है करो। राइट।
सो ये यहाँ पे एक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप घर रेंट पे लेते हो तो आपको घर की साफ सफाई थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है, ऐसा कोई डैमेज वैमेज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे फाइन बहुत हैवी मार देते हैं वरना ये लोग, और ये आज यहाँ पे आएंगे सब हर एक कोने खाचरे का सबका ये लोग फोटो लेंगे और लैंडलॉर्ड को भेजेंगे, और उसके बाद अगर कुछ उनको गड़बड़ दिखी तो फिर वो लोग हमें बोलेंगे। एनीवे मुझे लगता नहीं हमने ये घर को हमारे घर जैसे ही अच्छा रखा है, राइट खुशबू? हमने जितना हो सकता है हमने एकदम इतना क्लीन रखा है। एग्जैक्टली। तो चलो भाई अभी इंस्पेक्टर साहब के आने की वेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं उनके जाने के बाद कि हमारा कैसा रहा इंस्पेक्शन। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30। दोपहर को इंस्पेक्टर लेडी आई थी घर पे, उसने पूरा घर चेक किया, घर के फोटोज लिए, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। खुशबू बताएगी डिटेल में, खुशबू कैसा रहा? इनफैक्ट शी वॉज वेरी फ्रेंडली, और ऐसा कुछ हमको लगा नहीं कि इंस्पेक्टर थी, और ऊपर से हमने उसको चाय पिलाई और पार्ले जी बिस्किट खिलाए, और वो ना चाय का फोटो भी लेके गई है, उसको इतनी इंडियन चाय पसंद आई कि वो फोटो लेके गई है, और उसने बोला है, रेसिपी भी मांगी है, और बोला कि मैं घर पे पक्का बनाऊंगी। तो एक्चुअली उसकी विजिट में हमें मजा आ गया, वो करीब आधे पौने घंटे के लिए घर पे आई थी, उसने नायरा के साथ भी खेला। आई विश वी कुड टेक सम वीडियोस, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे, मे बी शी मे नॉट बी कंफर्टेबल, तो हमने वीडियो नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। तो वो घर पे आई, पहले थोड़ा फोटो वोटो लेना चालू किया, फिर हमसे पूछने लगी कि आप कितने टाइम से यहाँ रहते हो, फिर हमारी बात चालू हुई कि हम इंडिया से कुछ ही महीनों पहले आए हैं, फिर खुशबू ने बोला कि मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, तो शी वॉज सो हैप्पी, और उसको इंडियन कल्चर के बारे में जनरली बहुत जानने में उत्सुकता थी, तो वो हमसे पूछने लगी कि इंडिया में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ, तो हमने उसको कुछ टिप्स दी, चाय पे चर्चा की, और उसको पार्ले जी बिस्किट इतने पसंद आए कि भाई क्या ही बताए। तो वो फोटो लेके गई चाय के पैकेट का भी कि भाई मैं अभी घर जाके ये चाय लेने वाली हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वाघ बकरी चाय पीते हैं, तो हमने उसके लिए अदरक वाली मस्त कड़क वाघ बकरी चाय पिलाई थी उसको, तो उसको तो भाई मज़ा ही आ गया। काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसने यहाँ पे, बातें की, घर वर चेक किया, बोला सब ओके है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो ओवरऑल विजिट बहुत अच्छा रहा आज का। अभी आई डोंट थिंक अभी नेक्स्ट 5-6 महीने तक कोई आएगा घर देखने। एनीवे तो ये थे कुछ दोपहर के हाल हमारे। फिलहाल अभी चाय का प्रोग्राम चल रहा है, और नायरा ने देखो यहाँ पे क्या किया है, चाय के अंदर बिस्कुट डुबा के नायरा आंसू करे छे, बिस्कुट को आंसू करे छे, हां ओए नायरा आंसू करे छे, ये देखो, अरे बाप रे आंसू थे बिस्किट ने, आंसू करू आंसू करू। भाई इंस्पेक्टर के जाते ही देखो घर की वापस हालत हो गई है, ये देखो भाई इधर उधर सब पथरा पड़ा है, और पथरा बढ़ते ही जा रहा है ना नायरा। एनीवे चलो खुशबू को पूछते हैं, खुशबू क्या प्लान है अभी? अभी हम बनाने वाले हैं पनीर चिली। ओ हो 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 क्या बात है। तो भाई यहाँ पे आके हमने एक चीज सीखी है कि यहाँ पे बाहर तो कुछ अच्छा इंडो चाइनीज मिलने वाला नहीं है, तो जब भी आप क्रेव करो खुद बना लो। हाँ ये बात तो है कि यहाँ लंदन आके ना हमारी वो एक बुरी आदत चली गई है, वरना मुंबई में थे ना तो हर कुछ दिनों बाद, मतलब 5-6 दिन हो गए तो चलो आज बाहर से खाना मंगाते, आज पार्सल मंगाते, पर यहाँ पे आके ना वो इंडिया वाला टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो बाहर से मंगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। हमने एक दो बार ट्राई किया, इंडो चाइनीज़ भी मंगाने का ट्राई किया, बट यार वो मज़ा नहीं है, इंडिया वाला मज़ा ही नहीं है, तो अभी हमने डिसाइड किया भाई घर पर ही बनाओ जो भी है। चलो अभी शुरू करो, आज पनीर चिली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ, तो ये है ऑनियंस, कैप्सिकम, कैरेट, यहाँ पे है डाइस किए हुए ऑनियन, डाइस किए हुए कैप्सिकम, डाइस किए हुए ये भी, ये तो क्या है, ये शिमला मिर्च जैसा कुछ दिख रहा है, ऑरेंज कैप्सिकम है। यहाँ पे हमारे नूडल्स रेडी हो गए हैं, तो इधर खुशबू ने तेल गरम कर दिया है, और तेल हो गया है गरम, अभी क्या डाल रहे खुशबू इसमें? पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। वाह, और भाई ये डालते ही जो खुशबू आएगी बराबर के नहीं? वाओ। और चाइनीज में ना एक चीज हमेशा याद रखनी है कि बहुत ऑयल नहीं जाता है, अनलाइक अवर इंडियन फूड, तो बहुत ही कम ऑयल डाले। तो भाई ऑयल पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और चाइनीज खाने के लिए भी अच्छा है। तो जैसे ही ये सॉर्ट होता है डाल देंगे अनियन, ओके, इसको 2 मिनट के लिए सॉटे करके डालेंगे बाकी के वेजिटेबल, और अब यहाँ जा रहा है कैरेट और कैप्सिकम। यस,
अभी इसको कितनी देर तक फ्राई होने देना है? खुशबू नहीं करना है। अच्छा, ऑब्वियसली नूडल्स में हम थोड़ा क्रिस्पी क्रंची क्रिस्पी चाहिए, बराबर। तो अभी इसको थोड़ी देर ये वेजिटेबल्स को फ्राई होने देते हैं, फिर इसमें क्या डालेंगे खुशबू? डायरेक्ट नूडल्स। ओके, और एक सीक्रेट मसाला दिखाएंगे आपको अभी। और अब वक्त आ गया है नूडल्स डालने का। नूडल्स हमेशा आपको 90% ही बॉईल करने हैं, इनफैक्ट 80% करेंगे तो भी चलेगा, और उसको ठंडे होने देने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठंडे होने देने, वरना क्या होगा कि वो गरम पड़े पड़े ही कुक हो जाएंगे। हाँ, बराबर ना। जैसे ही आप उसको 80% कुक करते हो, उस पर सीधा ठंडा पानी डाल दो। हमारे यहाँ ठंडे पानी की कमी है नहीं बर्फ जैसा ठंडा पानी आता है। एनीवे, सो यहाँ पे जैसे हम नूडल को गर्म करते हैं, उसको तुरंत बाहर निकाल के ठंडा पानी डाल देना, ताकि उनका कुकिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए। और उसके ऊपर डालना है ऑयल। ओके, ताकि वो चिपके नहीं, ग्रीस कर देना, ताकि वो चिपके नहीं, बराबर ना। ओके, और अभी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बताओ जो है, सीक्रेट चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। अरे वाह भाई वाह, ये हमने इंडिया से लाया था? नहीं, यहाँ पे मिलता है, यहीं पे भी मिलता है, क्या बात है। सो बस 2 टेबलस्पून ये डालना है, आपको नमक भी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें सब आ जाता है, बराबर ना, सब आ जाता है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सोया सॉस वगैरह डालना है तो डाल सकते हो, पर मेरे ख्याल से इंडिया में जो नूडल्स मिलते हैं उसमें सोया सॉस वगैरह नहीं रहता है। हाँ, वो ऊपर से डालते हैं हमेशा। So, तो बस हो गया, अभी इसको मिला लेना है और फिर थोड़ी देर गरम करना है। और ये नूडल्स हो गए रेडी। ओहो, और इसमें नमक भी आता है तो टेस्ट करके ही डालें। और यहाँ पे खुशबू सूंघते सूंघते एक प्राणी आ गया है अपना आईपैड छोड़ के, क्या हुआ भाई? हो गए हैं रेडी, और ये देखो भाई, मस्त फ्लफी फ्लफी छोटे छोटे नूडल्स हो गए, बराबर ना खुशबू? एकदम, देखो ये, ओ वाह 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 वाह, एकदम बाहर जैसे, मतलब जैसे अपना बाहर होटल में मिलते वैसे बन गए। नूडल्स तो हो गए रेडी, और अभी टाइम है पनीर चिली बनाने का। उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पनीर, और ये देखो, इससे देसी पनीर आपको कोई मिल सकता है? देसी पनीर। सो देसी पनीर के टुकड़े इस तरह से काट लेने हैं, यहाँ पे हमने काट के रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी पैन में तेल होगा गरम, और फिर डालेंगे कुछ सीक्रेट मसाला वापस। खुशबू कौन सा डालेंगे इस बार? वो भी एक सीक्रेट है, चलो बताता हूँ आपको। सो ये है वो सीक्रेट मसाला, पनीर चिल्ली मसाला मिक्स फ्रॉम चिंग्स। यस, उसकी पहले स्लरी बना लेनी है। तो भाई इधर हो गया है पनीर चिल्ली बनाने का प्रोग्राम शुरू। खुशबू सबसे पहले क्या डालेंगे तेल गरम करने के बाद? जिंजर गार्लिक पेस्ट। वाह, फटे फटे। और अब मुझे लगता है डालेंगे सब डाइस्ड वेजिटेबल्स। तो अपन पनीर चिल्ली ग्रेवी बना रहे हैं या ड्राई बना रहे? ग्रेवी। ओहो, पनीर चिली ग्रेवी, क्या बात है। चलो फटाफट डाल दो वेजिटेबल्स। ये गए ऑनियंस। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसे स्क्वायर शेप में काटना होता है पनीर चिली में, ऐसे स्क्वायर, और नूडल्स के लिए लंबे लंबे लंबे। ओके, और साथ में उसके बाद यहाँ पे हम डालने वाले हैं ये स्लरी। तो ये स्लरी किस चीज की बनाई है खुशबू, बता दो? 2 टेबलस्पून वो चिंग्स का पनीर चिली मसाला डाल दिया। ओके, और उसमें पानी डाल दिया है। अभी हम उसको लास्ट में इसमें डालने वाले हैं। बढ़िया, तो वेजिटेबल्स हो गए इधर सॉटे, और अब इसमें हम डालने वाले हैं पनीर के क्यूब्स। वाह भाई, थोड़ी देर सॉटे हो जाए। बढ़िया, तो चलो अब डालेंगे। तो ये पनीर हो गया सॉटे, सब हो गया है, बस डायरेक्ट अभी स्लरी डाल देनी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं यूज कर रही हूँ ये स्लरी। डालने के बाद मैं टेस्ट करूंगी, जरूर पड़ी तो हम सब मसाले डाल सकते हैं, थोड़ा केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, डिपेंडिंग कि कैसा ये हो रहा है। ओके, इसका टेस्ट कैसा हो रहा है उसके ऊपर है, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। अभी डाल रही है इसमें थोड़ा सा पानी, और अभी इसको थोड़ा बॉयल होने देते हैं। बढ़िया, तो भाई इधर हो गया है हमारा पनीर चिली ग्रेवी रेडी। वाह, मस्त धुआड़ा मारता हुआ साथ में है नूडल्स। चलो खाना शुरू करते हैं, और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।